जो भी बच्चे लाइव आए हैं कमेंट करके बताइए साउंड क्लियर है या नहीं। जो भी बच्चे लाइव आए हैं कमेंट करके बताइए साउंड क्लियर जा रहा है या नहीं जा रहा है। चलिए साउंड क्लियर है, आगे कमेंट। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो अभी जो लेने वाले हैं वो जैक बोर्ड का मॉडल से 2 लेंगे और ये इंग्लिश मीडियम का होगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग जो है जैक बोर्ड क्लास 12 का मॉडल से 2 ले रहे हैं और ये इंग्लिश मीडियम का है। मॉडल सेट 2 में जो भी क्वेश्चन है उसको हम लोग डील करेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है लेकिन फिर भी हम लोग देखेंगे। तैयार हो? चलो स्टार्ट करते हैं। तो लीजिए हम लोग पहला क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है क्वेश्चन जरा समझते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि फिजिकल क्वांटिटीज आर, यानी पहला क्वेश्चन है फिजिकल क्वांटिटीज आर, यानी फिजिकल क्वांटिटी कौन सा है बताना है। तो पहला बोल रहा है डिग्री, रेडियन एंड स्टेरेडियन। बाबू ये फिजिकल क्वांटिटी थोड़ा ही है, तो यूनिट है। क्या है? यूनिट। दूसरा देखो क्या है, बोले लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये सारा जो है ये क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी हम बोले थे जिसको मेजर कर सकते हैं, तो ये सब चीज़ को मेजर कर सकते हैं, इसलिए ये सब क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। और ये है सब है यूनिट, पाउंड, डॉलर, ये सब क्या है? ये सब तो पैसा है, ठीक है, करेंसी है। और ये भी क्या है? आपका यूनिट है। तो ये सब सारा जो भी यूनिट है, तो फिजिकल क्वांटिटी सिर्फ कितना नंबर है? बी नंबर। तो इसका आंसर जो गया बी नंबर, यानी पहला का गया बी। चलो नेक्स्ट देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज द सेम डायमेंशन, यानी इसमें कौन सा पेयर है जिसका डायमेंशन क्या है? सेम है। तो याद करो ये क्वेश्चन सेम रिपीट हुआ है सेट 1 से, और हम उसमें बताए थे कि इम्पल्स और मोमेंटम जो होता है दोनों का डायमेंशन सेम होता है, इसलिए इसका भी आंसर गया बी नंबर। याद रखिएगा यहाँ पर जो इम्पल्स और मोमेंटम है दोनों का डायमेंशन क्या होता है? सेम। चलिए बी नंबर। नेक्स्ट देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर थ्री बोल रहा है इन एसआई सिस्टम द फंडामेंटल यूनिट्स आर, यानी एसआई सिस्टम में कौन सा फंडामेंटल यूनिट है? एसआई सिस्टम में कौन सा फंडामेंटल यूनिट है वो देखेंगे। बोल रहा है मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, केविन, मोल एंड कैंडेला, ठीक है, ये है। दूसरा मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, कूलम। जरा ध्यान से देखो यहाँ पर आ गया है कूलम। क्या आ गया? कूलम। और याद रखना कूलम जो है कभी फंडामेंटल यूनिट नहीं है, क्लियर है। तो ये तो गलत हो गया। यहाँ पर देखो मीटर के बाद न्यूटन है, तो ये भी गलत है, ठीक है। और यहाँ देखो यहाँ पर क्या है? लक्स है। लक्स नहीं होता, ये कैंडेला होता है। तो इसका सही जाएगा ए नंबर। क्यों? क्योंकि याद करो 7 फिजिकल क्वांटिटी होता है, 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होता है, और उसका यूनिट यही सब है, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, केविन, मोल एंड कैंडेला। इसका आंसर गया ए नंबर, यानी 3 का आंसर गया ए नंबर। चलो नेक्स्ट देखते हैं। चार नंबर क्वेश्चन बोल रहा रिजोल्यूशन इज, रिजोल्यूशन क्या है? वैसे तो क्लास 12 में हम आपको इसके बारे में डिटेल में बताएंगे, जब आपको ऑप्टिक्स पढ़ाएंगे उस चैप्टर में। रिजोल्यूशन क्या होता है समझिए, जैसे मान लो कोई दो पॉइंट है, ये दो पॉइंट के बीच मिनिमम डिस्टेंस हम कितना देख सकते हैं, मिनिमम कम से कम डिस्टेंस कितना है जिसको हम लोग रिजॉल्व कर सकते हैं, यानी उस दोनों के बीच अंतर कर सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? रिजोल्यूशन, क्लियर है। तो बोल रहा है क्या, ए मेजर ऑफ द बायस इन द इंस्ट्रूमेंट, नहीं ऐसा नहीं है। ए मेजर ऑफ द सिस्टमेटिक एरर, ये भी नहीं है। और बोल रहे थे स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ इनपुट सिग्नल चेंज दैट द इंस्ट्रूमेंट कैन डिटेक्ट रिलायबली, बिल्कुल यही जाएगा। क्यों? क्योंकि मिनिमम कितना होगा कि ये किसको क्या कर सकता है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट डिटेक्ट कर सकता है, तो उसी मिनिमम जो है अमाउंट का जो सिग्नल है उसी चेंज होता है, उसी क्या कहते हैं? रिजोल्यूशन। तो इसका आंसर गया बाबू सी नंबर, आंसर गया सी, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं बाबू। ये 5 नंबर क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कोई दम ही नहीं है, ठीक है, इस क्वेश्चन में कोई दम है ही नहीं। समझिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है एब्सोल्यूट एरर ऑफ द मेजरमेंट इज, यानी किसी भी मेजरमेंट का एब्सोल्यूट एरर क्या होता है? एरर, एरर मतलब गलती, एरर मतलब गलती। जैसे सिंपल सा चीज़ है, मान लो ये मार्कर है,
ये जो मार्कर है, इस मार्कर का एक्चुअल लेंथ मान लो कितना है, मान लो एक्चुअल लेंथ है 30 सेंटीमीटर। एक्चुअल लेंथ कितना, 30 सेंटीमीटर, लेकिन जो हम मेजर किए वो मेजर कर दिए मान लो 31 सेंटीमीटर। सोचो एक्चुअल इसका मेजरमेंट कितना, 30 सेंटीमीटर, लेकिन हम जो मेजर कर दिए वो 31 सेंटीमीटर, तो बोलो 1 सेंटीमीटर का इरर है कि नहीं, गलती की है कि नहीं हम 1 सेंटीमीटर, तो वही होता है एब्सोल्यूट इरर। यानी जो हम लोग जो मेजर करते हैं और जो रियल जो मेजरमेंट होता है उसी के बीच जो डिफरेंस होता है उसी क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट इरर। और ये आंसर डी नंबर गया, द डिफरेंस बिटवीन द इंडिविजुअल मेजरमेंट एंड द ट्रू वैल्यू ऑफ क्वांटिटी। यानी जो हम लोग मेजरमेंट करते हैं तो उसको कहते हैं इंडिविजुअल मेजरमेंट, और ट्रू वैल्यू जो होता है उस क्वांटिटी का उसके बीच जो डिफरेंस होता है घटा होता है उसी क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट इरर। इसका आंसर गया डी नंबर, इसका आंसर कितना, डी। चलो नेक्स्ट देखते हैं बाबू, ये एक न्यूमेरिकल है, छोटा सा न्यूमेरिकल है, ज़्यादा कोई तगड़ा तो नहीं है, एकदम आसान है। बोल रहे ए बॉय स्टार्ट्स फ्रॉम ए पॉइंट ए, एक लड़का कहाँ से स्टार्ट करता है चलना, ए से, ट्रेवल्स टू पॉइंट बी एट डिस्टेंस ऑफ 1.5 किलोमीटर एंड रिटर्न्स टू ए। यानी एक लड़का है वो ए से स्टार्ट करता है, बी तक पहुँचता है, बी से फिर लौट के कहाँ आ जाता है, ए तक। क्लियर है? बोल रहा है इफ ही टेक्स 1 आवर टू डू सो, मतलब ऐसा करने में उसको कितना लगता है, 1 घंटा, हिज एवरेज वेलोसिटी इज, तो उसका एवरेज वेलोसिटी कितना होगा। तो याद कीजिए एवरेज वेलोसिटी होता है, एवरेज वेलोसिटी निकालना है तो आपको करना टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। अगर टोटल डिस्प्लेसमेंट का बात करें तो समझना ध्यान से बाबू, अगर मान लो लड़का ए से पहुंचा कहाँ, बी पे, और बी से फिर अगर आ गया ए पर, ए से गया बी, बी से फिर ए, तो यही हो गया इनिशियल पॉइंट, यही हो गया फाइनल पॉइंट, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना निकलेगा, 0। और इसका डिस्प्लेसमेंट में ही 0 होगा तो वेलोसिटी भी कितना आएगा, 0। इसका आंसर चला गया बी नंबर, यानी इसका आंसर गया आपका बी। यानी एक न्यूमेरिकल नहीं, छोटा सी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, जो इस कॉन्सेप्ट को समझ गया कि डिस्प्लेसमेंट 0 है तो यहाँ पर वेलोसिटी भी 0 होगा, तो वो तुरंत बना देगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं, सेकेंड नंबर, सर 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए बॉय स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, एक लड़का रेस्ट से चलना शुरू करता है, क्लियर है, एंड ट्रेवल्स विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑन ए स्ट्रेट लाइन, और वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चलता है, वो भी कैसे, इन स्ट्रेट लाइन में। बोल रहा है इफ इट्स वेलोसिटी आफ्टर मेकिंग ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ 32 मीटर इज 8 मीटर पर सेकेंड। बोल रहा है उसका वेलोसिटी जो है 32 मीटर चलने के बाद कितना हो जा रहा है, 8 मीटर पर सेकेंड, इट्स एक्सेलरेशन इज, तब उसका एक्सेलरेशन कितना होगा बताना है। चलिए देखते हैं, मान लो एक लड़का यहाँ से चल रहा है, इसका रेस्ट से चल रहा है तो यू इक्वल टू लेंगे 0, और ये जो है यहाँ से चलना शुरू किया और चलते 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 मान लो यहाँ पर पहुँचा, ठीक है, ए से चलना शुरू किया बी पर पहुँचा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस दे दिया गया कितना, 32 मीटर, कितना दिया 32 मीटर, और बोल रहा है कि जब यहाँ से यहाँ पहुँचा तो इस बी पॉइंट पर जो वेलोसिटी है यहाँ पर हो गया 8 मीटर पर सेकेंड, तो बाबू यहाँ से यहाँ जो चला तो इसका एक्सेलरेशन क्या था, ए इक्वल टू व्हाट, ये हमसे पूछ रहा है एक्सेलरेशन क्या होगा, ये हमसे क्या कर रहा, पूछ रहा है। क्लियर है? यानी हमको U पता है, V पता है, S पता है, A निकालना है, तो सिंपल सा फॉर्मूला पढ़े होंगे, V स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2S, V स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2S, बस रख दो, V कितना है बाबू, तो V कितना है 8, रख दिए 8 का स्क्वायर, बोलो U कितना है तो 0 है, 0 का स्क्वायर प्लस 2, एक्सेलरेशन तो निकालना है तो इसको A रहने दिए, S, S यानी डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कितना दिया 32, तो ले लिए 32, तो बोलो 8 का स्क्वायर यानी कितना 64, ये तो 0 हो गया, प्लस 32 इंटू 2 यानी 64A, तो बोलो 64 इक्वल टू 64A, यही निकला 0 प्लस 64A इतना, तो हमको A चाहिए, क्या चाहिए A, तो जरा ध्यान से देखो A कितना आसानी से निकलेगा, तो A इक्वल टू कितना हो जाएगा 64/64, यानी कितना 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आंसर, इसका कितना निकला 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और जरा देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए नंबर में यही है, तो इसका आंसर बाबू ए नंबर सही है, कितना ए नंबर, तो चलो यहाँ लिख देते हैं इसका आंसर कितना गया, ए गया, क्लियर है, ए नंबर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोविंग इज द यूनिट ऑफ वेलोसिटी, इसमें से कौन सा जो यूनिट है वो वेलोसिटी का यूनिट है, तो बाबू हर बच्चा को पता होगा मीटर पर सेकंड किसका यूनिट होता है, वेलोसिटी का, इसका बिना देखे ही इसको कोई लिख सकता है, तो बोलो कितना नंबर, सी नंबर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है जरा देखिए,
बोल रहा है ए बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, एक बॉडी किससे चलना शुरू करता है, रेस्ट से, एंड ट्रेवल्स फॉर टी सेकेंड, वो टी सेकेंड तक चलता है विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 2 m/s2। ये कितना एक्सेलरेशन चल रहा है, वो एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन चल रहा है और एक्सेलरेशन दिया है 2 m/s2। बोल रहा है इफ द डिस्प्लेसमेंट मेड बाय इट इज 16 m, यानी वो जो डिस्प्लेसमेंट कवर करता है कितना 16 m, तो बोल रहा है द टाइम ऑफ ट्रेवल इज, यानी वो कितना टाइम तक ट्रेवल किया, वो टी जो टाइम था उस टी टाइम का वैल्यू कितना होगा, वो वैल्यू हमसे पूछ रहा है। बाबू एकदम आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं। देखो बोल रहा है बॉय स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, चलो फिगर बनाओ सबसे पहले। तो मान लो रेस्ट चलना शुरू किया यानी यू इक्वल टू जीरो, और वो जो है टी टाइम तक चल रहा है, मान लो यहाँ से यहाँ जब चला तो यहाँ से यहाँ तक जो चला टाइम कितना टी टाइम तक चला, यहाँ पहुँचा, ए से चलना शुरू किया बी तक पहुँचा होगा यहाँ से यहाँ, और यहाँ से यहाँ जो चला इसका एक्सेलरेशन भी दे दिया था, एक्सेलरेशन कितना था 2 m/s2, ये एक्सेलरेशन दिया 2 m/s2, और बोल रहा है यहाँ से यहाँ जो चला डिस्टेंस कितना चला 16 m, यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी दे दिया, s इक्वल टू कितना दे दिया 16 m। तो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि टाइम कितना लगा यहाँ से यहाँ तक जाने में, t इक्वल टू वाट, ये बताइए टाइम बताइए, क्लियर है। तो बाबू कुछ भी दम नहीं है, देखो क्या पता है हमको, यू पता है, क्या पता है, यू पता है, ए पता है, एस पता है, टी निकालना है। तो एकदम आसान फॉर्मूला, बोलो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्लियर है। एस डिस्टेंस कितना है तो 16 m है, लिखे 16। यू कितना, इनिशियल वेलोसिटी कितना 0, टाइम हमको पता है नहीं टी रहने दिए, प्लस हाफ, एक्सेलरेशन हमको पता है, एक्सेलरेशन कितना दिया 2, तो ए के जगह 2 रख दिए। अब टी स्क्वायर, टी स्क्वायर को टी स्क्वायर आने दो, चूंकि हमको ये पता नहीं, 2 से 2 गया 0 इंटू टी 0, तो बोलो 16 इक्वल टू कितना हुआ, टी स्क्वायर सिर्फ बचा, क्योंकि ये 0 और ये तो पूरा कट गया टी स्क्वायर, तो बोलो टी इक्वल टू कितना, इसको इधर करेंगे रूट अंडर 16, यानी कितना 4 सेकेंड, आंसर 4 सेकेंड लगना चाहिए, तो इसका आंसर कितना नंबर गया, ए नंबर, कितना नंबर, ए नंबर, आसान है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बाबू, क्वेश्चन नंबर टेन देखिए क्या बोल रहा है, एकदम आसान सा है, समझो ध्यान से। बोल रहा है ए बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, एक बॉडी रेस्ट से चलना शुरू किया, ठीक है। बोल रहा है इफ इट ट्रेवल्स विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 m/s2, और वो कितना एक्सेलरेशन चल रहा है 2 m/s2 के एक्सेलरेशन से, इट्स डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 3 सेकेंड इज, यानी 3 सेकेंड पर, यानी जब उसका 3 सेकेंड टाइम हो गया, टोटल टाइम 3 सेकेंड, तो वो उस पर कितना उसका डिस्प्लेसमेंट होगा, वो डिस्प्लेसमेंट हमसे पूछ रहा है। चलो बाबू कोई दिक्कत नहीं। बोल रहा रेस्ट से चलना शुरू करता है यानी यू इक्वल टू जीरो, रेस्ट मतलब यू इक्वल टू जीरो, मान लो पॉइंट यहाँ से स्टार्ट किया और ये मान लो यहाँ से यहाँ तक चला और एक्सेलरेशन दे दिया था कितना 2 m/s2, और टाइम दे दिया है यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना समय लेता है 3 सेकेंड, तो जब ये यहाँ से यहाँ पहुँचा मान लो ए से बी, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ, एस पूछ रहा हमसे, यानी यू दिया है, ए दिया है, टी दिया है, एस निकालना। बाबू वही क्वेश्चन, उसी जैसा क्वेश्चन है, लगाओ फार्मूला, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर, क्लियर है। एस डिस्टेंस, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट निकालना है, एस के जगह एस रहने दो, यू कितना 0, टाइम कितना दिया 3, प्लस हाफ, एक्सेलरेशन कितना दिया है बाबू 2 दिया है, इंटू टी स्क्वायर, टी यानी 3 स्क्वायर, बोलो ये गया, तो एस इक्वल टू 0 प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो बोलो एस इक्वल टू कितना 9 m। एकदम आसान क्वेश्चन, ए नंबर, इसका भी आंसर कितना, ए, क्लियर है, 9 m। तो देखिए कितना आसान क्वेश्चन था, फिर भी जिससे नहीं बनता है सिर वाला बात है, ये सब क्वेश्चन नहीं बनेगा तो ठीक। अब चलो 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 11 क्या बोल रहा है, जरा ध्यान से देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। बोल रहा है ए बॉय मेक्स ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ 4 m ड्यू ईस्ट फ्रॉम ए पॉइंट ओ, यानी एक पॉइंट ओ है, वहां से वो ईस्ट की ओर चल रहा है कितना 4 m, एंड देन मेक्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ 3 m ड्यू नॉर्थ, फिर वो नॉर्थ की ओर कितना चल रहा है 3 m, इट्स रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ओ इच, यानी कितना डिस्प्लेसमेंट होगा वो निकालना। चलो देखो ध्यान से, एकदम आसान है, बोलो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, मान लो यहाँ से चलना शुरू किया, कहाँ से, ओ से, ओरिजिन से, इस जगह से ओ से। अब सोचो पहले ईस्ट में चल रहा है कितना 4 m चला दो, ये ईस्ट में गया 4 m, चल गया 4 m, मान लो यहाँ पहुँचा,
और फिर किधर गया, फिर ये नॉर्थ की ओर मुड़ गया 3 मीटर, तो नॉर्थ ऊपर है यानी इधर चला गया 3 मीटर, यानी यहां से चला यहां पहुंचा और लास्ट में फाइनली यहां पहुंच गया, तो बोल रहा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो डिस्प्लेसमेंट हर किसी को पता होगा, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है यही डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा ये राइट एंगल ट्रायंगल, ये 4 है ये 3 है, ये डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा 5 मीटर, पाइथागोरस से निकाल लिए, ठीक है। ऑब्जेक्टिव है, ज्यादा हम सॉल्व करके नहीं दिखाएंगे, डायरेक्ट आंसर दिख रहा 5 मीटर, तो बाबू सी नंबर, आंसर नंबर सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए बॉडी इज ट्रेवलिंग इन ए सर्कल एट कॉन्स्टेंट स्पीड, बोल रहा है एक बॉडी है वो सर्कल में चल रहा है वो भी कॉन्स्टेंट स्पीड से, बोल रहा है इट, बोल रहा है इट हैज इनवर्ड एक्सेलरेशन, यानी इसके पास अंदर की ओर एक्सेलरेशन होगा। दूसरा हैज कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, बाबू कॉन्स्टेंट वेलोसिटी सर्कुलर पाथ में हो ही नहीं सकता क्योंकि सर्कुलर पाथ में घूमेगा डायरेक्शन चेंज होगा। हैज नो एक्सेलरेशन, ऐसा भी नहीं, एक्सेलरेशन तो होगा। हैज एन आउटवर्ड रेडियल एक्सेलरेशन, जिसका सही आंसर है बाबू ए नंबर, क्यों, क्योंकि हम सिखाए थे जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में कॉन्स्टेंट स्पीड से यानी यूनिफॉर्म स्पीड से चलता है तो उस समय सिर्फ एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है। कौन एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जब कॉन्स्टेंट स्पीड से चलेगा, क्लियर है। तो याद रखिएगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन यानी अंदर की ओर एक एक्सेलरेशन होता है, इसका नंबर ए नंबर गया। याद रखिएगा जब भी कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता है तो वहाँ सिर्फ सेंटीपिटल एक्सेलरेशन होता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं होता, तो इसका आंसर गया ए नंबर, यानी इनवर्ड सिर्फ अंदर की ओर एक्सेलरेशन होगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, व्हेन एंगुलर वेलोसिटी चेंजेज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, जब एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो रहा है किसके, टाइम के रेस्पेक्ट में, देन बोल रहा है एन एंगुलर एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड। जी हाँ ऐसा तो होता है, अगर एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो एंगुलर एक्सेलरेशन है, तब है, तब चेंज हो रहा है। ए लीनियर एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड, ये नहीं, बोल रहा है ए कंस्टिट्यूट ऑफ कपल, ये भी नहीं, ए लीनियर वेलोसिटी, ये भी गलत, तो इसका आंसर गया ए नंबर। कितना नंबर, ए नंबर, क्यों, क्योंकि अगर एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो वहां पर एंगुलर एक्सेलरेशन होगा ही होगा, तो इसका नंबर ए। चलो क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, ध्यान से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, बोल रहा टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू, टाइम ऑफ फ्लाइट किसके बराबर होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट किसके बराबर होता है, बोल रहा है 4 times ऑफ टाइम नेसेसरी टू रीच एट मैक्सिमम हाइट, ये तो गलत है बाबू, ऐसा होता ही नहीं। हम आपको कॉन्सेप्ट हम सिखाए थे कि मान लो कोई पार्टिकल को जब हम प्रोजेक्ट करते हैं तो ये ऐसे करके जाता है यहाँ से यहाँ तक आने में लगता है टाइम ऑफ फ्लाइट, और हम बोले थे यहाँ मैक्सिमम हाइट तक पहुँचने में, ये जो मैक्सिमम हाइट है एच मैक्स, यहाँ तक पहुँचने में अगर टी मैक्स लगेगा तो जितना देर यहाँ पहुँचने में लगेगा उतने दूर यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में लगेगा, यानी यहाँ भी लगेगा टी मैक्स, तो टोटल टाइम यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा टी मैक्स प्लस टी मैक्स यानी 2 टी मैक्स, यानी जो यहाँ पर मैक्सिमम हाइट तक पहुँचने में जो टाइम लगता है उसका 2 गुना टाइम। इसका आंसर डी नंबर तुरंत दिख गया, ट्वाइस द टाइम नेसेसरी टू रीच एट मैक्सिमम हाइट, यानी मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने का टाइम का 2 गुना, तो इसका आंसर गया डी नंबर, आंसर कितना डी नंबर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बाबू, 15 नंबर क्वेश्चन, द पाथ फॉलोड बाय प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड ट्रेजेक्ट्री, सिंपल सा, सोचना ही नहीं है। याद रखना कोई भी पार्टिकल का जो पाथ होता है, जो इसे मान लो इसे गया, तो इस पाथ को हम क्या कहते हैं, ट्रेजेक्ट्री। याद रखना प्रोजेक्टाइल मोशन में जो पाथ होता है उसको क्या कहते हैं, ट्रेजेक्ट्री। तो इसका आंसर गया डी नंबर, इसका आंसर डी। चलो नेक्स्ट देखते हैं, बोल रहा है व्हेन ए बस स्टॉप सडनली ए पैसेंजर इन द बस फॉल्स फॉरवर्ड देन इट एक्सप्लेन, समझना, एक क्या बोल रहा है, एक बस में कोई पैसेंजर है और वो क्या हो रहा है, पैसेंजर बस अचानक रुकने से वो आगे की ओर गिर जा रहा है, आगे की ओर झुक जा रहा है, जिसको एक्सप्लेन कीजिए क्यों। तो बोल रहा है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन और प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो इसका सही आंसर है बाबू ये, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, क्यों, क्योंकि न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में ही हम लोग लॉ ऑफ इनर्सिया पढ़े थे और इनर्सिया ही बताता है, जैसे देखो बस चल रहा था तो उसके अंदर आदमी बैठा था तो वो भी चल रहा था, बस में अचानक ब्रेक लगा, आदमी थोड़े लगा तो बस रुक गया, लेकिन इनर्सिया करने हम आदमी क्या हुआ, आगे चल गया। तो इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल एक्सप्लेनेशन किससे होता है, फर्स्ट लॉ से, क्योंकि इसे कहते हैं लॉ ऑफ इनर्सिया। इसका आंसर गया ए नंबर, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है ए पैसेंजर सिटिंग इन ए बस मूविंग एट यूनिफॉर्म स्पीड,
बोल रहा है एक पैसेंजर है, वो बस में बैठा और वो यूनिफॉर्म स्पीड से बस चल रहा है। फील्स पुश्ड बैकवर्ड व्हेन एवर द बस इज एक्सेलरेटेड फॉरवर्ड। बोल रहा है कि जब बस अचानक से एक्सेलरेट होता आगे की ओर तो उसको लगता है कि वो पीछे जा रहा है। क्लियर है? बोल रहा है दिस टाइप ऑफ फोर्स इज कॉल्ड। उस फोर्स को हम क्या कहते हैं? तो सुनना, पहला बोल रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं, ऐसा तो नहीं है। रियल फोर्स ये भी नहीं है। बोल रहा है फिक्सियस फोर्स और स्यूडो फोर्स। और चौथा बोल रहा है फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स भी नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, वो कैसा? स्यूडो फोर्स। बताए थे अगर एक्सेलरेशन आगे होगा तो स्यूडो फोर्स किधर लगेगा? पीछे, इसलिए स्यूडो फोर्स। इसका आंसर गया सी नंबर, इसका आंसर सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। बोल रहा है ए बॉडी ऑफ मास 5 केजी ट्रेवलिंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। बोल रहा है एक बॉडी है, उसका मास है 5 केजी और वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी चल रहा है, जिसका वेलोसिटी कितना? 2 मीटर पर सेकेंड। इट्स मोमेंटम इज, यानी मोमेंटम पूछ रहा है। तो बाबू कुछ दम ही नहीं था, मोमेंटम इक्वल टू होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो मास दिया 5, वेलोसिटी दिया 2, तो इसका आंसर हो गया 10 kg/s। मोमेंटम हो गया 10 kg/s, यानी इसका आंसर ए नंबर। इसका आंसर कितना? ए नंबर। चलो नेक्स्ट देखते हैं बाबू, 19 नंबर क्वेश्चन। क्या बोल रहा, सुनिए। द मास ऑफ ए बॉडी विच इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी। क्या बोल रहा सुनिए, द मास ऑफ ए बॉडी विच इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी टू द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी इज। ठीक है, यानी बोल रहा है कि किसी बॉडी का जो मास है, वो मास उस पर लगने वाला फोर्स और उसका जो एक्सेलरेशन है उसके प्रोडक्ट के बराबर होता है। यानी बोल रहा है कि किसी बॉडी का जो मास है उस पर लगने वाला फोर्स और एक्सेलरेशन के रेशियो के बराबर है। क्लियर है? ये बोल रहा है। तो बोल रहा है वो जो मास होगा उस मास को हम क्या बोलेंगे? ग्रेविटेशनल मास बोलेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मास बोलेंगे, इंटरनल मास बोलेंगे या इनर्शियल मास बोलेंगे? ठीक है, कौन सा मास बोलेंगे? क्लियर है? तो बाबू उसको जो है हम क्या बोलेंगे? ग्रेविटेशनल मास। कौन मास? ग्रेविटेशनल मास। क्लियर है? याद रखना, क्या कहते हैं उसको बाबू? ग्रेविटेशनल मास। इसका आंसर, अच्छा ये चौथा नंबर ऑप्शन क्या है? इनर्शियल मास, इनर्शिया के कारण जो मास। इसका आंसर सॉरी डी जाएगा, ग्रेविटेशनल मास नहीं, उसको क्या बोलेंगे? डी, इनर्शियल मास है वो। वो क्या है? इनर्शियल मास। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं बाबू, क्वेश्चन नंबर 20। क्या बोल रहा है? ए ब्लॉक ऑफ वुड इज प्लेस्ड ऑन ए सरफेस। बोल रहा है एक लकड़ी का ब्लॉक है, उसको कहाँ रखें? सरफेस पर रखें। ए फोर्स इज अप्लाइड पैरेलल टू सरफेस टू मूव द बॉडी, यानी उस बॉडी को मूव करने के लिए सरफेस के पैरेलल हम एक फोर्स लगा रहे हैं। द फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप एक्ट्स, यानी फ्रिक्शनल फोर्स कैसे लगता है वो। तो देखो जैसे मान लो ये सरफेस, इस पर ये वुडन ब्लॉक है और बोल रहा है कि इसको सरकाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए हम क्या कर रहे हैं? सरफेस के पैरेलल इधर फोर्स लगा रहे हैं। तो फ्रिक्शनल फोर्स कैसे होगा? तो सिंपल सा, जिधर मोशन करेगा उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन इधर होगा, जस्ट अपोजिट। बोल रहा है नॉर्मल टू द सरफेस अपवर्ड, नहीं गलत है। नॉर्मल टू द सरफेस डाउनवर्ड, नीचे की ओर बोल रहा है, नहीं वो भी गलत है। अलोंग द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, यानी जिधर फोर्स लगा रहे हैं उधर, वो भी गलत है। अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, आंसर नंबर डी सही। क्यों? जिधर फोर्स लगाएंगे उसके जस्ट अपोजिट लगेगा, यानी आंसर डी। इसका आंसर गया डी नंबर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। क्या बोल रहा है? देखो बोल रहा है आउट ऑफ द फंडामेंटल फोर्सेस, आउट ऑफ द फंडामेंटल फोर्सेस। बोल रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, फंडामेंटल समझो। बोल रहा है आउट ऑफ द फंडामेंटल फोर्सेस। फंडामेंटल फोर्स कौन कौन है? ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स एंड क्या एंड न्यूक्लियर फोर्स। बोल रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? सुनना, जितना भी फंडामेंटल फोर्स को खोजा गया है उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे वीक फोर्स होता है। तो बोल रहा है रैंक्स फर्स्ट इन स्ट्रेंथ, यानी मजबूती में सबसे अधिक, सबसे पहला है, गलत। रैंक सेकंड इन स्ट्रेंथ, ये भी गलत। रैंक थर्ड इन स्ट्रेंथ, ये भी गलत। रैंक फोर्थ इन स्ट्रेंथ, ये सबसे मजबूती में चौथा स्थान, चार्टों में सबसे लास्ट यही आता है। तो इसका आंसर यह डी नंबर, ठीक है, कितना नंबर? डी। चलो नेक्स्ट देखते हैं। बोल रहा है द फ्रेम ऑफ रेफरेंस अटैच टू ए सैटेलाइट ऑफ द अर्थ इज, यानी फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसके? अर्थ सैटेलाइट जो है उससे रिलेटेड।
तो क्या बोल रहा है, एन इनर्शियल फ्रेम, ये इनर्शियल फ्रेम में है। दूसरा एब्सोल्यूट फ्रेम एट रेस्ट विथ रेस्पेक्ट टू स्टार्स, और तीसरा बोल रहा है नॉन इनर्शियल फ्रेम, और चौथा बोल रहा है ग्रेविटेशनल फ्रेम। तो इसका सही आंसर है बाबू ए नंबर, इनर्शियल फ्रेम। क्यों? क्योंकि जो सैटेलाइट है, याद रखना सैटेलाइट जनरली अर्थ के रेस्पेक्ट में उसका एक्सेलरेशन जीरो होता है, और याद रखना जब एक्सेलरेशन जीरो हो तो उसको बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और अगर एक्सेलरेशन जीरो नहीं होता तो उसको बोलते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो जनरली कोई सैटेलाइट अर्थ के चारों ओर जो घूमता है, अर्थ का एक्सेलरेशन उसका एक्सेलरेशन सेम रहता है, तो इसका आंसर चला गया कौन, इनर्शियल फ्रेम। क्लियर है ए नंबर। नेक्स्ट देखते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 23। बोल रहा है ए ब्लॉक ऑफ मास m इज प्लेस्ड ऑन फ्लैट सरफेस, बोल रहा है एक ब्लॉक है उसका मास m है और उसको फ्लैट सरफेस पर रखे हैं। बोल रहा है ए फोर्स अप्लाइड टू मूव इन पैरेलल टू द सरफेस, द फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप प्रोपोर्शनल टू द, यानी क्या बोल रहा है सुनना। बोल रहा है एक सरफेस है, उस सरफेस पर एक ब्लॉक रखा, उसका मास कितना m है, और उसके सरफेस के पैरेलल एक फोर्स लगा रहे हैं ताकि ये मोशन कर सके। तो इसमें जो फ्रिक्शन फोर्स डेवलप होता है, फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, तो याद करो हम बोले थे फ्रिक्शन फोर्स जो होता है, फ्रिक्शन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, नॉर्मल रिएक्शन के। यानी फ्रिक्शन फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नॉर्मल रिएक्शन यहाँ कितना होगा, एम जी, क्योंकि याद करो नीचे लगेगा एम जी, ऊपर क्या लगेगा एन, तो एन बराबर क्या हुआ एम जी। तो बोलो जी तो कॉन्स्टेंट है तो इसको भी हटा सकते हैं, फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, मास। फ्रिक्शन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मास के। तो बोल रहा है स्क्वायर ऑफ द मास ऑफ द बॉडी, गलत है, मास ऑफ द बॉडी, जी हाँ ये सही है, जो फ्रिक्शन है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, मास के। यानी आंसर यह इसका बी नंबर, आंसर कितना बी नंबर। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है समझो, क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है ध्यान समझो। बोल रहा है मशीन गन फायर से बुलेट ऑफ मास 40 ग्राम, एक मशीन गन है वो फायर कर रहा बुलेट कितना ग्राम का, 40 ग्राम का, विद ए वेलोसिटी ऑफ 1200 मीटर पर सेकंड, कितना वेलोसिटी से 1200 मीटर पर सेकंड। इफ द मैन होल्डिंग इट कैन एग्जर्ट ए मैक्सिमम फोर्स ऑफ 144 न्यूटन ऑन द गन, यानी जो आदमी है वो कितना मैक्सिमम फोर्स एग्जर्ट कर सकता है गन पर, 144 न्यूटन। बोल रहा हाउ मेनी बुलेट्स कैन फायर पर सेकंड एट मोस्ट, मतलब कितना कम से कम वो हर एक सेकंड में बुलेट फायर करेगा वो संभाल ले। क्लियर है, चलो कोई दिक्कत नहीं, एकदम आसान। याद करो मशीन गन वाला जो फॉर्मूला पढ़ाए थे, फोर्स इक्वल टू क्या सिखाए थे, एन एम वी बाई टी, याद करो एन एम वी बाई टी। तो हमसे पूछ रहा नंबर ऑफ बुलेट, तो नंबर ऑफ बुलेट कितना हो जाएगा, फोर्स इंटू टाइम बाय एम इंटू वी। चलो फॉर्मूला रखते, चलो फोर्स कितना है 144 न्यूटन, टाइम कितना बोल रहा है पर सेकेंड यानी एक सेकेंड दे दिया टाइम रख दिए, मास कितना दिया बुलेट का 40 ग्राम, तो 40 ग्राम को केजी में बदलेंगे तो नीचे 1000 से भाग देंगे तो 1000 ऊपर कर लो डायरेक्ट हो गया, इंटू कितना भी, भी मतलब वेलोसिटी, वेलोसिटी कितना है 1200, कर लिए, दो जीरो से दो जीरो गया, एक जीरो से एक जीरो गया, ठीक है, 12 से 12 बार में कट गया बराबर 44, और ये कितना 3 बार में, तो आंसर निकल गया 3 बुलेट पर सेकेंड, आंसर गया इसका डी नंबर। यानी 3 बुलेट ये हर एक सेकंड में क्या कर सकता है, फायर कर सकता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं बाबू, ध्यान से देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ए बॉडी ऑफ मास 10 kg इज ट्रेवलिंग विद यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, बोल रहा है एक बॉडी है उसका मास कितना है 10 kg है, और वो ट्रेवल कर रहा है कितने स्पीड से, 5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से, इट्स काइनेटिक एनर्जी इज, तो उसका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा। सिंपल से बाबू, ये तो बच्चा वाला क्वेश्चन है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है हाफ एम बी स्क्वायर, रख दो हाफ, मास कितना है तो मास है 10 kg, रख दिए 10, वी स्क्वायर, वी यानी स्पीड कितना 5 का स्क्वायर, इसको कटा दिए 5 बार में, तो 5 गुना 5 का स्क्वायर 25, तो 25 गुना 5 यानी 125 जूल है, ऑप्शन बी नंबर है, इसका आंसर गया बी नंबर। चलो नेक्स्ट देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ए क्वांटिटी ऑफ वर्क ऑफ 1000 जूल इज डन इन 2 सेकेंड, बोल रहा है कितना 1000 जूल वर्क कर रहे हैं कितना सेकेंड में, 2 सेकेंड में। बोल रहा है पावर यूटिलाइज्ड इन, बाबू बहुत आसान, पावर इक्वल टू होता है वर्क बाय टाइम, तो वर्क कितना है 1000, टाइम कितना 2 सेकेंड, आंसर 500 वाट, कितना नंबर, डी नंबर मिल गया, डी नंबर। चलो नेक्स्ट देखते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहा है। ए बॉडी ऑफ मास 10 kg मूविंग एट अ हाइट ऑफ 2 मीटर,
एक बॉडी उसका मास 10 केजी है और वो 2 मीटर का हाइट तक मूव किया विथ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ कितना 2 मीटर पर सेकंड, कितना स्पीड से 2 मीटर पर सेकंड बोल रहा है। इट्स टोटल एनर्जी इज, तो उसका टोटल एनर्जी कितना होगा वो एनर्जी निकालना है, ठीक है, ध्यान से देखना, आसान सा है। तो टोटल एनर्जी हमसे पूछ रहा है, तो टोटल एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, पोटेंशियल सॉरी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, पढ़े होगे, टोटल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम वी स्क्वायर और पोटेंशियल एनर्जी होता है एम जी एच। चलो रखते, चलो हाफ मास कितना दिया बाबू, मास दिया 10 के जी, ले लिए 10। बोले स्पीड कितना दिया है, स्पीड दिया 2 मीटर पर सेकेंड, तो ले लिए 2 का स्क्वायर प्लस मास कितना दिया है, सॉरी मास तो 10 के जी, जी जी का वैल्यू जब कुछ नहीं दिया है तो 9.8, 10 भी ले सकते हैं लेकिन चलो 9.8 ही लेते हैं। और हाइट, हाइट कितना दे दिया 2 मीटर। चलो सॉल्व करो कितना बार में, 5 बार में, थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव है ध्यान समझना, 5 गुने 4 हो जाएगा 20 प्लस, अब गुना इसको करेंगे 10 गुने 20 प्लस 9.8, ठीक है, लगभग 200 तो नहीं कुछ कम आएगा, तो 9.8 गुने 20 अगर करेंगे तो 98 गुने 2 कितना हो जाता है 196। टोटल इसको गुना करोगे 196 आएगा, इसको इसको गुना करोगे तो 196, अब इसको इसको जोड़ोगे तो आ जाएगा 216 जूल है। ऑप्शन में बी नंबर है, कितना नंबर, बी नंबर कितना गया, चलिए आंसर गया इसका बी नंबर, ठीक है, 216 जूल। चलो आगे बढ़ते हैं। अब चलो ये क्वेश्चन बाबू कुछ भी दम नहीं है, तुरंत क्लियर हो जाएगा। बोल रहा है टू मासेस ऑफ 1 ग्राम एंड 4 ग्राम आर मूविंग विथ इक्वल काइनेटिक एनर्जीज। बोल रहा दो मास है, एक है 1 ग्राम का और एक है 4 ग्राम का, और दोनों सेम काइनेटिक एनर्जी से मूव कर रहा है, इक्वल काइनेटिक एनर्जी से। बोल रहा द रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर लीनियर मोमेंटम इज, यानी बोल रहा है कि उसका बताइए रेशियो कितना होगा उसके लीनियर मोमेंटम का। बाबू कुछ नहीं है, देखो एकदम आसान क्वेश्चन है, यानी दोनों का काइनेटिक एनर्जी सेम है, दोनों का काइनेटिक एनर्जी बोल रहा है सेम है, तो बोलो पहला का काइनेटिक एनर्जी के ई वन मान लो और दूसरा का मान लो के ई टू, दोनों सेम है। एक फॉर्मूला पढ़े होगा काइनेटिक एनर्जी का, जरूर आप लोग फॉर्मूला पढ़े होगा, काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है पी स्क्वायर बाय 2m, पी स्क्वायर बाय 2m, तो चलो यहाँ लिख दो, बोलो इसको लिखें पी स्क्वायर बाय 2m, लेकिन बाबू यहाँ के 1 का काइनेटिक एनर्जी ले रहे हैं तो इसलिए 1 और यहाँ भी 1, तो बोलो के ई टू बराबर कितना हो जाएगा, बोलो तो इस जगह हो जाएगा कितना पी टू स्क्वायर बटे 2m2, बोलो 2 से 2 गया, इसको इधर ले जाओ, ठीक है इसको इधर ले आओ, तो बोलो क्या होगा पी वन स्क्वायर बटे पी टू स्क्वायर बराबर कितना m1 बटे m2। लेकिन हमको क्या पूछ रहा, मोमेंटम का पूछ रहा रेशियो, और यहाँ स्क्वायर आया तो एक काम करो ऐसे लिख सकते हैं, इसको ध्यान से देखना पी वन का स्क्वायर पी टू का स्क्वायर, तुम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या हो गया भाई, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, जरा ध्यान से देखना पी वन बाय पी टू का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना m1 बाय m2। आराम से पी वन बटे पी टू पूछ रहा है तो इसको स्क्वायर को उधर ले जाओ, तो पी वन बटे पी टू बराबर रूट अंडर हो जाएगा m1 बटे m2, तो निकाल लो रूट अंडर m1 कितना है 1 ग्राम और m2 कितना दिया 4 ग्राम, रूट करोगे तो इसका आएगा 1/2, तो इसका आंसर निकलेगा 1:2 है ऑप्शन में, 4:1 1:2 बी नंबर में ही है, तो इसका आंसर आ गया बी नंबर, इसका आंसर बी नंबर 1:2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोल रहा है, ध्यान से देखो, बोल रहा है ए बॉडी ऑफ मास 100 kg, ए बॉडी ऑफ मास 100 kg फॉल्स फ्रॉम ए हाइट ऑफ 10 मीटर। बोल रहा है एक बॉडी उसका मास 100 kg है और वो 10 मीटर का हाइट से गिर रहा है, इट्स इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी इसका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, कितना बढ़ेगा, तो सुनना बाबू ध्यान से, बाबू ये कोई मान लो बॉडी है, इसका मास दिया है कितना 100 kg और वो कितना हाइट से गिर रहा है, ये जो हाइट है मान लो हाइट कितना दे दिया 10 मीटर दिया है, तो जब ये यहाँ से यहाँ पहुँचेगा तो इसका काइनेटिक एनर्जी कितना बढ़ेगा वो चीज़, तो सुनना पहले मान लो जब ये यहाँ पर होगा मोशन तो नहीं होगा, तो इसके पास पहले काइनेटिक एनर्जी कितना था 0,
लेकिन हाँ पोटेंशियल एनर्जी था, हाइट के कारण क्या था पोटेंशियल एनर्जी, वही पोटेंशियल एनर्जी यहाँ आकर के किस में कन्वर्ट हो गया, काइनेटिक एनर्जी। तो सिंपल सा अगर काइनेटिक एनर्जी निकालना है तो क्या निकालोगे, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है MgH, रख दो M का वैल्यू कितना 100, G का वैल्यू कितना 9.8 और हाइट कितना 10 मीटर, तो गुना करोगे तो ये आ जाएगा कितना 98 गुना इतना, यानी 9800 जूल, 9800 जूल है ऑप्शन में, ए नंबर में ही है इसका आंसर ए। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है सुनना। क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है ए बॉडी ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्सिया, एम ओ आई देना चाहिए था लेकिन एम आई भी चलेगा। ए बॉडी ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्सिया 3 kg/m² रोटेटिंग विथ एन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 2 rads/s। बोल रहा है एक बॉडी है उसका मोमेंट ऑफ इनर्सिया कितना दिया 3 kg/m² और उसका एंगुलर वेलोसिटी कितना दे दिया 2 rads/s। बोल रहा हैज़ द सेम काइनेटिक एनर्जी एज मास ऑफ 12 kg मूविंग विथ ए वेलोसिटी ऑफ, यानी बोल रहा है इसका काइनेटिक एनर्जी जो बॉडी है जो रोटेशनल मोशन कर रहा है उसका काइनेटिक एनर्जी उस बॉडी के काइनेटिक एनर्जी के बराबर है जिसका कितना मास है 12 kg। तो बोल रहा है 12 kg वाला बॉडी का वेलोसिटी कितना है बताइए। तो सिंपल सा यानी यहाँ पर ये इसका जो 12 kg वाला बॉडी है इसके पास कौन है लीनियर काइनेटिक एनर्जी और इसके पास क्या रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, यानी दोनों को बोल रहा है इक्वल है। तो यहाँ क्लियर कर लिए रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू लीनियर काइनेटिक एनर्जी, यानी सिंपल सा काइनेटिक एनर्जी इसको लिखते हैं। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर और इसका होता हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ से हाफ चला गया। अब बोलो हमको क्या चाहिए, आई ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू कितना बचा एम वी स्क्वायर, तो हमको क्या चाहिए था वेलोसिटी चाहिए था, इसको इधर ले आओ तो बोलो कितना निकलेगा जरा ध्यान से देखो बाबू। ठीक, तो इसको हम ऐसे लिखें, बोलो आई ओमेगा स्क्वायर बाय एम इक्वल टू कितना हो गया वी स्क्वायर। ठीक है, तो हमको भी चाहिए, क्या चाहिए भी यहाँ लिख लेते हैं, तो भी बराबर बाबू स्क्वायर इधर जाएगा रूट हो जाएगा, तो रूट अंडर कितना हो गया आई ओमेगा स्क्वायर बाय एम, अब सबका वैल्यू रखो आंसर आ जाएगा, तो भी इक्वल टू बोलो रूट अंडर आई, आई का वैल्यू कितना, आई मतलब क्या मोमेंट ऑफ इनर्सिया, आई मतलब है मोमेंट ऑफ इनर्सिया, मोमेंट ऑफ इनर्सिया कितना दिया बाबू 3, तो रख दिए 3 लिखान रही। ठीक, आई का वैल्यू कितना 3 इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी कितना दिया 2, तो यहाँ लिख दिया 2 का स्क्वायर बाय मास, मास कितना है बॉडी का 12 kg, रख दिए 12। तो अब खाली सॉल्व करना है, तो मेरे ख्याल से 4 × 12/12 कट के 1 तो 1, तो इसका आंसर आ जाएगा डायरेक्ट सॉल्व कर लेना 1 m/s, 1 m/s है ऑप्शन में ए नंबर में ही है, तो इसीलिए इसका आंसर चला गया ए नंबर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोल रहा है, ए पार्टिकल परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हैज एंगुलर मोमेंटम एल, बोल रहा है एक पार्टिकल है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है और उसका एंगुलर मोमेंटम कितना एल है। बोल रहा है इफ इट्स एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज डबल्ड, बोल रहा है अगर उसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या कर दें डबल कर दें, इट्स काइनेटिक एनर्जी हाफ और उसका काइनेटिक एनर्जी क्या कर दें आधा कर दें, बोल रहा है देन द न्यू एंगुलर मोमेंटम इज, तब उसका नया एंगुलर मोमेंटम क्या होगा वो हमसे पूछ रहा है। क्लियर है, तो सबसे पहले समझो जरा ध्यान से यहाँ पर क्या बोल रहा है क्वेश्चन, यहाँ पर बोल रहा है कि एक पार्टिकल है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है और उसका एंगुलर मोमेंटम कितना बाबू एल है, एंगुलर मोमेंटम कितना एल है और बोल रहा है कि उसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी को क्या कर दिए डबल कर दिए, एंगुलर फ्रीक्वेंसी को क्या कर दिए डबल कर दिए और काइनेटिक एनर्जी को क्या कर दिया आधा कर दिए, तब उसका क्या होगा, तब उसका नया एंगुलर मोमेंटम क्या होगा वो चीज़ हमको निकालना है। क्लियर है, तो बाबू ये तभी निकाल पाएंगे हम जब हमको क्या फ्रीक्वेंसी काइनेटिक एनर्जी और एंगुलर मोमेंटम के बीच क्या पता होगा रिलेशन, तभी निकाल पाएंगे नहीं तो नहीं निकाल पाएंगे। क्लियर है, तो चलो देखते हैं ध्यान से, वैसे तो हमको भी नहीं पता और हम कभी सॉल्व भी नहीं किए इसको, चलो देख लेते हैं। ठीक है, तो L इक्वल टू पढ़े थे एम वी आर एंगुलर मोमेंटम, तो एक काम करते हैं कुछ और करके देखते हैं, L इक्वल टू एम वी आर है एम वी आर फ्रीक्वेंसीज कैसे ऐड करेंगे,
फ्रीक्वेंसी और काइनेटिक एनर्जी, ये दोनों चीज़ से रिलेशन निकाल रहा है। चलो देखते हैं, कुछ तो होगा ही। MBR इक्वल टू, अच्छा ऊपर अगर 2 भी लगा दें नीचे भी 2 भी लगा दें तो कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हैं। तो L इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक काम करते हैं इस 2 को इधर ले जाते हैं, तो हो जाएगा 1/2 एम भी इंटू भी, भी स्क्वायर हो गया, ठीक है, इतना कर दिए, इंटू कितना R, ठीक है, क्योंकि और यहाँ से क्या लिए, ये 2 ले लिए, भी तो यहाँ चला गया, भी इंटू भी स्क्वायर हो गया, और यहाँ से 2 चल गया, ठीक है, ये 2 ले गए हैं और इसका भी ले गए हैं, तो यहाँ कितना बचा, 2 बाय भी ये बचा। ये तो हो गया आपका काइनेटिक एनर्जी, कितना हो गया, तो बोलो L बराबर हो गया, बोलो ये क्या निकल गया, काइनेटिक एनर्जी इंटू 2R बाय भी। अब यहाँ से हमको निकालना होगा फ्रीक्वेंसी का रिलेशन, तो काइनेटिक एनर्जी इंटू 2R इंटू भी, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला था भी इक्वल टू ओमेगा R लिख सकते हैं, तो R से R पार, तो बोलो L इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इंटू 2 बाय ओमेगा, आया ओमेगा बराबर होता है 2 पाई न्यू, तो बोलो 2 से 2 कट गया, तो बोलो क्या निकला हमारा, L इक्वल टू निकला काइनेटिक एनर्जी बाय पाई इंटू न्यू, क्लियर है, इतना आ गया, अब पर जाएंगे, अब कोई दम नहीं बचा, समझो। तो अगर सोचो यहाँ पाई तो कांस्टेंट है, पाई क्या है, कांस्टेंट है, तो सोचना बाबू यहाँ पर पाई जो है वो कांस्टेंट, इसको हटा दिए, तो बोलो L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी बाय फ्रीक्वेंसी, ये होगा। अब चलो रख देते हैं, बोलो इसका क्या बोल रहा है कि जो है इसका काइनेटिक एनर्जी क्या कर दिए, डबल, सॉरी फ्रीक्वेंसी डबल कर दिए और काइनेटिक एनर्जी का आधा कर दिए, चलो कर दो, काइनेटिक एनर्जी को आधा कर दिए और फ्रीक्वेंसी डबल कर दिए, कितना आ गया 1/4, यानी जो एंगुलर मोमेंटम था उसका 4 गुना 1/4 गुना हो जाएगा, यानी बी नंबर जाएगा, कितना नंबर, बी नंबर, इसका आंसर बी, क्लियर है। तुम लोग को इतना नहीं करना, देखो चूंकि हमको भी ये रिलेशन पता नहीं था, बस मतलब हमको अचानक याद नहीं आ रहा था, तो हम उसी तरह करके हम डेराइव कर लिए अपना, आप लोग को बस ये सिंपल से याद रखना आपको ये रिलेशन, क्लियर है, आपको इतना यहाँ से यहाँ तक कुछ जरूरी नहीं है, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि एंगुलर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर रख करके निकाल लिए, क्लियर है, आ रहा समझ में, तो ये आ गया कितना, L/4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, समझो क्या बोल रहा है, ए थिन यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग इज रोलिंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ इंक्लाइनेशन 30 डिग्री विदाउट स्लिपिंग, इट्स लीनियर एक्सेलरेशन अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन विल बी, क्या बोल रहा, सुनना, बोल रहा है कि एक थिन यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग है, कैसा है, थिन यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग, और वो इंक्लाइंड प्लेन में जिसका एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन कितना 30 डिग्री है, उससे क्या हो रहा है, स्लिप, बिना स्लिप किए वो लुढ़कते हुए नीचे आ रहा है, बोल रहा है, तब फिर उसका क्या बोल रहा है कि बताइए लीनियर एक्सेलरेशन कितना होगा, वो लीनियर एक्सेलरेशन हमसे पूछ रहा है, तो ध्यान से देखना बाबू, मान लो ये इंक्लाइंड प्लेन है, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन कितना डिग्री है, 30 डिग्री, और यहाँ से एक रिंग है और बिना ये स्लिप किए हुए ये घूमते घूमते ऐसे करके यहाँ आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर जब आया तो इसका एंगुलर, सॉरी लीनियर एक्सेलरेशन क्या होगा, लीनियर एक्सेलरेशन हमसे पूछ रहा है, क्लियर है, तो यहाँ से यहाँ जब आया तो इसका लीनियर एक्सेलरेशन पूछ रहा है, कितना एक्सेलरेशन होगा वो चीज़, तो बाबू सबसे पहले यहाँ एक्सेलरेशन पूछ रहा है, चलो देखते हैं निकलेगा जरूर, लेकिन सबसे पहले यहाँ क्या दिया, रिंग दिया, क्या दिया, रिंग, और रिंग का होता है मोमेंट ऑफ इनर्सिया कितना, रिंग का होता है मोमेंट ऑफ इनर्सिया mr² होता सिर्फ, कितना होता है mr², अब निकल जाएगा, तो बाबू यहाँ पर क्या है, जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर था क्या, पोटेंशियल एनर्जी किस में चेंज हुआ, इसका काइनेटिक एनर्जी में, पोटेंशियल एनर्जी किस में चेंज हुआ, काइनेटिक एनर्जी में, तो सबसे पहले यहाँ से देखते हैं हम लोग, तो बोलो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, ये हो गया। अब पोटेंशियल एनर्जी जो है वो तो हो गया mgh, और काइनेटिक एनर्जी हो गया मेरा
यहाँ पर दो तरह का काइनेटिक एनर्जी होगा, एक तो रोटेशनल और एक लीनियर, मतलब ट्रांसलेशनल दोनों। तो रोटेशनल हो गया हाफ एम वे स्क्वायर, सॉरी लीनियर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर हो गया रोटेशनल। अरे सॉल्व करेंगे बहुत लंबा चल जाएगा, हम सिर्फ डेरिवेशन पे रख रहे हैं। ठीक, एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, ठीक है, क्योंकि हम इसको सॉल्व करके नहीं देखे थे। इस क्वेश्चन का हम आपको ग्रुप में हम आंसर भेज देंगे, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सॉल्व करने में लंबा प्रोसेस हो जाएगा और हम देखे नहीं थे क्वेश्चन, अचानक हम तो आ गए। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब इसलिए मतलब है नहीं ज़्यादा मुश्किल, लेकिन मेनली क्या है, हमको अभी वो पूरा डेरिवेशन याद नहीं है, फिर पूरा डेरिवेशन करेंगे बहुत लंबा चल जाएगा, ठीक है, इसलिए इसको छोड़ देते हैं, हम बाद में बता देंगे। चलो नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। बोल रहा मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स ऑन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस पर डिपेंड करता है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस पर डिपेंड करता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल, जी हाँ इस पर करता है, मास पर, इस पर भी करता है, पोजिशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन इस पर भी डिपेंड करता है, ऑल ऑफ दिस, सही इसका आंसर है डी नंबर, आंसर चला गया ऑल ऑफ दिस, क्योंकि ये सब पे डिपेंड करता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है बाबू, 34 नंबर क्वेश्चन, बोल रहा है इफ ए बॉडी इज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस, बोल रहा है एक बॉडी है वो एक्सिस के चारों ओर क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास, देन इट्स एंगुलर मोमेंटम इज डायरेक्टेड अलोंग, तब उसका एंगुलर मोमेंटम किधर होगा। तो सोचो जरा सा, कोई भी पार्टिकल अगर मान लो ऐसे रोटेट कर रहा है इस एक्सिस के अलोंग, तो इधर से इधर रोटेट कर रहा है, तो इसका एंगुलर मोमेंटम भी किधर आ रहा है, उसी एक्सिस पर, ठीक है, तो आंसर आया एक्सिस ऑफ रोटेशन यानी डी नंबर, किधर होगा इसका एंगुलर मोमेंटम, एक्सिस ऑफ रोटेशन यानी डी नंबर। चलो नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 मेरे ख्याल से यही लास्ट क्वेश्चन है, ठीक, क्या बोल रहा है, ए पार्टिकल मूव्स ऑन ए सर्कुलर पाथ विद डिक्रीजिंग स्पीड, बोल रहा है एक पार्टिकल वो सर्कुलर पाथ में घूम रहा है वो भी डिक्रीजिंग स्पीड से, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, यानी यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट सही है बताना है। बोल रहा है एंगुलर मोमेंटम रिमेंस कॉन्स्टेंट, यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम कॉन्स्टेंट रहेगा, ऐसा नहीं है, एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर, एक्सेलरेशन इज टुवर्ड्स द सेंटर, बिल्कुल सही, सर्कुलर मोशन में कर रहा सेंटर की ओर होगा ही, ये तो सही है। पार्टिकल मूव्स ऑन स्पायरल पाथ विद डिक्रीजिंग रेडियस, ये भी गलत है। बोल रहा था डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम रिमेंस कॉन्स्टेंट, इसका डायरेक्शन सेंड रहेगा, वो भी गलत है। तो इसका सही आंसर है बी नंबर, कितना नंबर, बी नंबर, यहाँ पर अंदर की ओर एक्सेलरेशन होगा। लेकिन सही बोलें, एक और रहता ना इसके साथ और अच्छा रहता कि यहाँ पर एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होगा, ठीक है, वो ज़्यादा सही रहता, लेकिन चलो कोई दिक्कत नहीं, बी नंबर सही है, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग का क्वेश्चन टोटल जो है सेट टू का हो गया कंप्लीट, उम्मीद करते हैं आपको सारा समझ में आ गया होगा, ठीक है, अगर अच्छा लगा तो स्माइली फेस भेज दीजिए, ठीक है। सुमन कुमार बोल रहा आई लव यू सर, आई लव यू टू बाबू। अगर अच्छा लगा जो भी पढ़ा है तो स्माइली फेस सबको कमेंट में सेंड कर दीजिए, समझ जाएंगे आपको समझ में आ गया, ठीक है, थैंक यू, चलिए आज इतना ही।